राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 13 वरिष्ठ अफसरों के तबादले किए। बुधवार को राजस्थान कैडर के आईपीएस अफसरों के तबादलों की दूसरी सूची जारी करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा का जिम्मा गौरव श्रीवास्तव को सौंपा गया है। राजस्थान पुलिस में आईपीएस के तबादले में ये साफ हो गया कि कार्यवाहक डीजीपी यूआर ही राजस्थान पुलिस महानिदेशक पद पर बने रहेंगे। इसके बाद केंद्र की औपचारिक मंजूरी बाकी है। सीएम भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में लगाए गए आईपीएस गौरव श्रीवास्तव जयपुर की ही रहने वाले हैं। गौरव श्रीवास्तव राजस्थान कैडर के साल 2004 बैच के आईपीएस अफसर है। एमएससी बीएससी की डिग्री पाने वाले गौरव श्रीवास्तव का जन्म 31 अगस्त 1981 को हुआ। साल 2004 में स्वापना हैदराबाद और लबासना मसूरी में ट्रेनिंग के बाद गौरव श्रीवास्तव भरतपुर में एएसपी बने। इसके बाद धौलपुर सिरोही जैसलमेर सीकर अजमेर नागौर जिले में पुलिस अधीक्षक पद पर भी सेवाएं दी है। हम आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा सरकार पिछले कई दिनों से ब्यूरोक्रेसी का पूरा चेहरा बदलने में लगी है। आईएएस और अफसरों के बाद वरिष्ठ आईपीएस के भी तबादले किए गए। भजनलाल शर्मा सरकार ने ज्यादातर जिलों के कलेक्टर तो बदल दिए, अब एसपी के तबादले की बारी है।